नमस्कार दोस्तों, चाहे ईरान से सटा हुआ बॉर्डर हो, पाकिस्तान से सटा बॉर्डर या फिर तजाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर, अफगानिस्तान के करीब 90% बॉर्डर एरिया पे तालिबान अपना कब्जा जमा चुका है। और दोस्तों, भीतरी इलाकों में भी तालिबान अपना पैर काफ़ी तेज़ी से फैला रहा है। उनका आखिरी मकसद है काबुल पे कब्जा करना, काबुल पे कब्जा करके अफगान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना और अपने राज को कायम करना। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और इस बदलते हालात में भारत के सामने भी कई चुनौतियां हैं, भारत के सामने कई सवाल हैं। उनमें दो मुख्य सवाल हैं दोस्तों, कि भारत को क्या तालिबान से बात करना चाहिए या नहीं, और इस वक्त भारत तालिबान से प्रोएक्टिवली ओपनली क्यों नहीं बात कर रहा है। तो दोस्तों, इन दोनों ही सवाल के उत्तर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, लेकिन डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत इस वक्त अफगानिस्तान से प्रोएक्टिवली ओपनली बात क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है कि अगर तालिबान से भारत खुलकर बात करेगा, एक्टिवली बात करेगा, तो जो तालिबान अफगानिस्तान में भारत के जो ट्रस्टेड पार्टनर हैं, यानी कि अफगान सरकार, अशरफ गनी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, तो वो एक ऐसे सिचुएशन में चले जाएंगे जहां वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनईजी महसूस करेंगे, अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे, और भारत ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि भारत ने अफगान सरकार से काफ़ी अच्छे रिश्ते बना रखे हैं पिछले 20 वर्षों में। दूसरा कारण है दोस्तों कि भारत इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर भारत तालिबान से बात करे भी तो किससे बात करे। विद इन तालिबान कई फैक्शन हैं, उनके पॉलिटिकल फैक्शन हैं, उनके मिलिटेंट फैक्शन हैं। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लीडर्स हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान में जो प्रो इंडिया हैं, जो इंडिया के प्रति न्यूट्रल व्यू रखते हैं, लेकिन भारत यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि आखिर हम बात करें तो किससे करें। और दोस्तों, तीसरा कारण है कि अफगानिस्तान के इंटेंशन को लेकर क्लियरिटी नहीं है, यानी कि भारत इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर अफगानिस्तान का इंटेंशन क्या है। एक बार अगर वो काबुल पे कब्जा कर लेता है और अफगानिस्तान पे अगर उसका रूल, जो शासन है, वो कायम हो जाता है, तो भारत के प्रति उसका क्या रवैया होगा, भारत के प्रति वो क्या स्टेप्स लेगा, उसके एक्शंस क्या होंगे, इन सभी बातों को लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत को तालिबान से खुलकर बात क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वक्त जो अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, वहाँ पे तीन ऑप्शंस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। या तो अफगानिस्तान एक लंबे समय के लिए गृह युद्ध में चला जाएगा, दूसरा ऑप्शन है कि अफगान सरकार और तालिबान दोनों मिलकर अफगानिस्तान पे रूल करें, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ जाए और तालिबान ही रूल करे। और दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, भारत इस बात को स्वीकार करे या ना करे, एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आज के समय में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उसका अच्छा खासा हस्तक्षेप हो चुका है। दोस्तों, जब पिछली बार उनकी सरकार बनी थी तो जो दुनिया के बाकी देश हैं उन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं किया था उसको, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन इस बार दुनिया के कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े देश हैं, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, ईरान, इवन पाकिस्तान के बारे में तो आप सभी को पता है, तो ये सभी देश तालिबान से बात करने को तैयार हैं अगर तालिबान पावर में आएगा। तो अगर भारत यहाँ पर बात नहीं करेगा तो भारत काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो पूरा हालात है वो बहुत बदला सा है। दोस्तों, तालिबान भी इस बात को समझता है और वो भी चाहता है कि जब वो काबुल पे कब्जा कर लेगा, जब अफगानिस्तान में वो पावर में आ जाएगा, तो उसे भी जो है वो कुछ कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा जो कि उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या उसे लेगिटिमेसी प्रोवाइड करेंगे,
और वो ये भी चाहेगा कि जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश हैं वो सबसे पहले तालिबान के उस मतलब सरकार को मान्यता प्राप्त करे, मतलब उसको मान्यता दे, उसे रिकॉग्नाइज्ड करे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर भारत पीछे रहेगा, भारत अगर तालिबान से बात नहीं करेगा, तो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी तालिबान को इतना ज़्यादा खुल के सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और तालिबान और पाकिस्तान का जो ये गहरा रिश्ता है वो भारत के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, तीसरा जो कारण है कि भारत को क्यों बात करना चाहिए तालिबान से, वो ये है कि भारत में अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि तालिबान जो है वो अब पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के इशारे पे ही वो सारा काम करता है। तो दोस्तों ये सोचना भी शायद एक मिस्टेक हो सकता है पॉलिसी मेकर के लिए, डिसीजन मेकर के लिए, कि जब तालिबान पावर में आएगा, जब उसको दुनिया के जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो वो पाकिस्तान के ही सारे पे काम करे, पाकिस्तान के कंट्रोल में रह के काम करे, शायद ऐसा ना हो। तो ऐसा सोचना भी भारत के लिए एक मिस्टेक हो सकता है। दोस्तों चौथा कारण ये है कि अगर भारत यहाँ पे पीछे रहेगा तो ईरान, रूस, पाकिस्तान, ये जो देश चाइना, इन देशों का जो वहाँ पे प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भारत जिसने पिछले 20 वर्षों से वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, अफगान सरकार के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब पानी में डूब जाएगा और वहाँ पे भारत जो है वो बहुत ही एक माइनर प्लेयर बन के रह जाएगा। अगर दोस्तों हम अफगानिस्तान में तालिबान से अगर हम बात नहीं करते हैं, अगर हम न्यूट्रल रहते हैं और हम वहाँ से मतलब ये मान लेते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो डूब जाएगा, और हम चाहे किसी भी कीमत पे हम तालिबान से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर है वो अफगान सरकार है, तो दोस्तों ये भारत के स्ट्रेटेजिक जो वीकनेस है उसको शो करेगा, क्योंकि जहाँ बाकी जो देश हैं वो बदलते हुए हालात के साथ उन्होंने अपने आप को ढाला है, और ईरान, रूस, चीन, ये सभी देश अब तालिबान से बात करने को तैयार हैं, जबकि ऐसा पिछली बार जब तालिबान की सरकार बनी थी तो नहीं था। उस वक्त सिर्फ 2 या 3 ऐसे देश थे जिन्होंने तालिबान को मान्यता प्राप्त उन्होंने दिया था। तो दोस्तों अगर भारत यहाँ पे न्यूट्रल रह जाता है या कुछ नहीं करता है, सिर्फ वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपना के रखता है और ये मान लेता है कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब चुका है, तो ये भी भारत के जो स्ट्रेटेजिक वीकनेस है उसको दुनिया के सामने शो करेगा। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तालिबान के साथ भारत बात करता है तो इससे हम कुछ अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन अगर भारत तालिबान से बात नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये भारत के इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। दोस्तों आप मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत को बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और दोस्तों आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।